वेलकम बैक टू बब्बर टाउन चैनल द क्रिप्टो वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉइन के बारे में जो अब तक स्टेबल हो चुका है, काफी लंबी बाउंड्री का उनका प्रोग्राम भी चल रहा है और जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। नाम है सेफ मून कैश, SMC। तो बाउंड्री का कैंपेन अभी भी रनिंग में है, 8 वीक का कैंपेन था। अगर अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इसका URL डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी ट्विटर का चैनल जो है ऑथेंटिकेटेड है चैनल, जहाँ पे सब कुछ मेंशन है, इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी है। तो स्कैमर से आपको बच के रहना है, पहली बात तो ये फोकस रखना है कि किसी भी स्कैमर से आपको दूर रहना है। और बहुत ही सिंपल तरीका है, कभी भी कोई भी कॉइन की कंपनी या टोकन कंपनी या कोई भी एक्सचेंज या कोई भी एक अपडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जैसे कि मैं या कोई और भी आपसे कभी भी डायरेक्टली पेमेंट नहीं मांगेगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, बता के दी जा रही है। ट्रेडिंग के टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो ट्रेड करना है वो अपनी सूझबूझ से करना है, अपनी रिसर्च और फंडामेंटल्स को जज करके करना है। कभी भी किसी के कहने पर कभी भी किसी भी कॉइन में पैसा कभी नहीं लगाना है। तो ये बात हुई अभी एक जर्नल डिस्कशन के बारे में। तो सेफ मून कैश क्या इंपॉर्टेंट है? safemooncash.org ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनका कहना है कि जो टोकन है ये इनकी कम्युनिटी के बेस पर चलता है। कम्युनिटी यानी कि हम लोग जो इनके टोकन को एक्वायर करेंगे, बाय करते हैं, सेल करते हैं, होल्ड करते हैं। मेजरली अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड को जानते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो वर्ल्ड में जो होल्डर्स होते हैं लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, वो एक बार कुछ बाय करके छोड़ देते हैं एक टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक FD के रूप में, तो वो आगे जाके एक अच्छा प्रॉफिट लेते भी हैं। बट कुछ होते हैं ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए अप एंड डाउन खेलते हैं और पैनिक में डाल के बहुत से लोगों को वो आउट ऑफ कर देते हैं फॉर्म। सेफ मून कैश का जो टोकन नॉमिनी का बनाया गया है वो 4% ट्रांजेक्शन रखी गई है, वो टैक्स के लिए रखी गई है। मेंशन है एवरी सेफ मून कैश ट्रांजेक्शन इनकर 4% ऑफ बेनिफिट्स टू द टैक्स, 2% डिस्ट्रीब्यूटर होल्डर्स। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो 8% की आपको फीस देनी होती है, 4% जाती है टैक्स में, 2% जो होल्डर्स होते हैं अमाउंट ऑफ द टोकन वे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और 2% इनकी लिक्विडिटी में ऐड हो जाता है। ऑनरशिप री अनाउंस हो चुकी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट पहले से ही काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा लेवल पर ये इस समय अप आ चुका है मार्केट में। अगर आप देखें तो इनका टेलीग्राम, ट्विटर, रेडिट, इंडीड, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, तो ये सब चैनल्स एक्टिव हैं। ठीक है, सेफ मून कैश वाज स्टील्ड लॉन्च बाय मेंबर्स ऑफ BSC कम्युनिटी इन 2021। एक कॉइन जो 2022 अप्रैल में लॉन्च हुआ है और आज जुलाई चल रहा है, तो 3 महीने के अंदर एक ऐसे मुकाम पर आ चुका है जो स्टेबिलिटी का मुकाम कहा जाता है किसी भी कॉइन के लिए, जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, स्टेबल रहते हैं। अब बाइंग के लिए इनके आप ऑप्शन देखिए कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, lbank.info एक्सचेंज हॉबिट पे है, बी बॉक्स पे है, XT पे है, प्रोबिट पे है, पैनकेक पे है, बॉगाइट फाइनेंस पे, तो यहाँ पे ये लिस्टेड हो चुका है फाइनेंस पे। ठीक है, और एक ये भी है स्वैप पे भी है इनका। और इनका अगर चार्ट देखना है तो पूकॉइन, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, बॉग फाइनेंस, तो इतने बड़े नाम के साथ जब ये जुड़ चुके हैं तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये कॉइन आपको पक्का एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। बट फिर से कहूंगा, फंडामेंटल्स आपको समझने जरूरी है, उसके बाद अगर आपको विश्वास होता है तो ही आप इनके साथ आगे बढ़िए। अब इनका है जो मून मैप यानी कि रोड मैप कहा जाता है। सेफ मून कैश लॉन्च हो चुका है, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, ग्लोबल एंड लोकल मार्केटिंग ऑपरेशंस इनके चल रहे हैं, लिस्टिंग ऑन प्रॉबिट हो चुकी है, मीडियम सोशल मीडिया एक्टिव है, ऑडिट बाय रग डिटेक्टिव एंड टेक रेड, अभी इसकी इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है, और कॉइन की को मार्केट लिस्टिंग हो चुकी है, ब्लॉक फोलियो डाटा लिस्ट डेल्टा लिस्टिंग, डील विद अ चाइनीज क्रिप्टो मार्केटिंग कंपनी सिक्योर्ड है ये अब तक, और ये पेंडिंग शायद चल रहा है अभी, इसकी अपडेट मैंने इनके सोशल नेटवर्क पे नहीं देखी है। ये है कुछ जर्नी इनके बारे में। वी ब्लॉग, व्हाट आई थिंक अबाउट द क्रिप्टो मार्केट, आप रीड आउट कर सकते हैं, कुछ ब्लॉग सेक्शंस दिए गए हैं इनके बारे में, फैक्ट्स लिखे गए हैं जो जानना आपका जरूरी है, जैसे कि हाउ डू आई बाय सेफ मून कैश, तो ऊपर मेंशन है कि कौन से एक्सचेंज पे जाके आप बाय कर सकते हैं। ठीक है,
डिस्क्लेमर्स हैं व्हेन मून, तो मून में हम कब पहुंचेंगे, द मोर एक्टिव अवर कम्युनिटी द सूनर वी मून। मेजरली अगर किसी भी क्वाइन को अगर आपको राइजिंग देखनी है तो उसके जो मेंबर्स एंड होल्डर्स होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए, डे बाय डे इंक्रीज होने चाहिए और होल्ड करना चाहिए कॉइन को। ऐसा नहीं है कि आपने आज बाय किया, आपने देखा 25 दिन हो चुके हैं, आज एक कॉइन की वैल्यू बढ़कर मेरी 2 गुना हो चुकी तो बेच के बाहर निकल जाऊं। बट एक पर्सन जिसने आपके साथ ही बाय किया था उसने उस कॉइन को 1 साल तक वेट करा, आपने उसे 2 गुने पे बेचा, उसने उसको बेचा 25 गुने पे, तो बेनिफिट तो वो लेके गया ना, तो रीजन करता है। तो इसी का ही मतलब है द एक्टिव मोर कम्युनिटी द सूनर वी मून, इसी का यही मतलब निकल के आता है। बाकी आप इनके सोशल मीडिया ये चैनल्स हैं, यहाँ जाके इनसे आप जुड़ सकते हैं, इनकी प्रॉपर अपडेट्स के साथ कनेक्ट रहिए और शायद आने वाले कुछ टाइम में कुछ और नए डिटेल्स लेके भी आएंगे। साथ में इनका एड्रेस मेंशन है, क्वाइन का अगर एड्रेस है यानी कि उसका फिजिकल एड्रेस दिया गया है जहां पर वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है बिलीव करने के लिए उस प्रोजेक्ट पे। बाकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर इनकी मेंशन है, वाइट पेपर है इनका यहाँ पर, आप रीड आउट जरूर करिएगा कि इनका क्या शॉट है माइंड का प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इनका स्वैप का ऑप्शन भी है जहां से आप कॉइन को स्वैप करके ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सेफ ऑन कैश के बारे में इतना ही जो मैं बता सकता था, जो रिसर्च है इनकी बारे में हो रखी। बाकी अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं किसी भी कॉइन के बारे में इजिली, उनके सोशल मीडिया चैनल्स को आप फॉलो करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बॉन्टी क्रिप्टो ग्रुप, फिर से बता रहा हूँ, बॉन्टी क्रिप्टो ग्रुप को ज्वाइन कर लो जहां पे आपको न्यू बॉन्टीज और क्रिप्टो के बारे में लेटेस्ट और एक्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, गुड बाय।